हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। ये किचन टिप्स रिलेटेड वीडियो है और ये स्पेशली इडली के जो हमारे बर्तन रहते हैं, जो भी पूरा उसमें प्लेट्स रहते हैं, उससे क्लीनिंग कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। आप देख सकते हो कितने क्लीन ये जो बर्तन है ये निकले हैं और ये बहुत आसानी से क्लीनिंग ये बर्तन का हम बहुत ईजी तरीके से करने वाले हैं। तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्लीन कैसे करना है। पहले तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप इडली स्टीम करने के लिए रखोगे, आपके पास एल्यूमिनियम का बर्तन होगा इडली का या फिर स्टील का बर्तन होगा मेरी तरह, तो उसमें कभी भी नींबू जो है वो ऐसे काट कर डालना चाहिए। आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो उसमें जो हमने नींबू डाले हैं उससे ब्लैक जो कालापन रहता है वो नहीं आना चाहिए। दूसरी टिप, ये जो हम प्लेट में इडली रखेंगे तो ये इडली ना चिपके, इसलिए कभी भी ऑयल से ही ये प्लेट को ग्रीस करना चाहिए, तो हमारा जो बैटर रहता है इडली का वो कभी भी ज़्यादा मात्रा में ये प्लेट को नहीं चिपकता। ये हो गई दो नंबर की टिप। थर्ड नंबर की टिप, देख सकते हो आप अभी हमने ये स्टीम कर लिया है फिर भी ये ब्लैक नहीं होता है। अभी क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारा लास्ट बैच हो चुका है और हमारा जो इडली का बर्तन था वो भी उसमें का पानी है वो गर्म ही है, तो वो गर्म रहेगा तभी भी हमें ये प्रोसेस करनी है तुरंत बाद। तो आप देख सकते हो अभी ये दोनों प्लेट है मेरे इडली के पूरे बैच होने के बाद, देख सकते हो कितना उसके ऊपर जो है वो इडली का बैटर लग गया है, बट हमने ऑयल से ग्रीस किया था इसकी वजह से ज़्यादा नहीं लगा है। अभी पूरे जो होल है वो प्लेट के उसमें हमें पानी डालना है, तो ये तुरंत ही करना है। तो ये इजीली जो है अभी इस पानी में जो है वो भीगेंगे। आप देख सकते हो अगर आपने ये ऐसा ही रखा तो एक तो ये ड्राई हो जाएंगे और आपको ही परेशानी हो जाएगी, और दूसरी बात फिर से गैस शुरू करना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही गर्म पानी है, आप देख सकते हो अभी इस गर्म पानी में हमने जो अभी प्लेट्स में पानी रखा था अभी दोनों प्लेट यहाँ पे रखेंगे, और आप देख सकते हो नींबू डालने की वजह से ये जो हमारा नीचे का बॉटम है इस इडली के बर्तन का वो ब्लैक भी नहीं होता। अभी नीचे का पानी गर्म है और ये दोनों प्लेट का पानी तो ठंडा है बट वो बहुत गर्म है, तो इसकी वजह से अभी हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के ये 15 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे, 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रखना है। तो ये पानी जो है ये बर्तन का ये पूरा हमने जो प्लेट्स में रखा है वो गर्म हो जाएगा। आप देख सकते हो अगर मैं उसमें हाथ डुबाती हूँ तो ये अच्छे से गर्म हो गया है, और अभी हम ये प्लेट निकालेंगे। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी क्या करना है, हमने जो दो नींबू लिए थे अभी उस नींबू का ही यूज़ करके हमें जो होल है वो अच्छे से घिसना है। यानी कि जो नींबू हमने यूज़ किया था वो दो काम करता है, एक तो हमारा जो बॉटम है वो भी ब्लैक नहीं होता है, और दूसरी जो हमने प्लेट्स यूज़ किए हैं वो भी बहुत ईजी से निकल जाते हैं। बट जो है वो हल्के हाथों से कीजिए क्योंकि ये जो नींबू है ये भी पका हुआ होता है तो वो जल्दी से मैश होता है। आप देख सकते हो कितना हमारा जो प्लेट था वो बैटर लगा था, और वो इजीली हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने नींबू से उसे अच्छे से घिसा है, और जो नींबू के साल रहते हैं यानी कि कवर रहता है उससे ही घिसा है, और ये इजीली निकलता है। यानी कि अगर आपने ये भी नहीं किया, आपके पास कौन सी भी तरह की जो जिससे आप बर्तन घिसते हो वो छन्नी लेनी है, क्या आप उसे कौन सा भी किससे भी, अगर आपकी सॉफ्ट हो या फिर स्टील की हो, दोनों तरह की होती है। अभी क्या करना है, हमने सिर्फ नींबू से जो है अच्छी तरीके से वो घिस लिया है एकदम हल्के हाथों से। आप देख सकते हो जो मेरी बर्तन घिसने की छन्नी है मैं उससे ही उसे सिर्फ एकदम सॉफ्ट तरीके से जो है सिर्फ एक बार जो है हाथों से उसे पूरे होल में एक बार अच्छे से घिस रही हूँ। तो आपने देखा अगर आप ये ऐसे ही रखोगे और उसके बाद इडली होने के बाद और फिर उसके बाद आप ये घिसने के लिए जाओगे तो ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा हार्ड जाता है घिसने के लिए। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। दोनों ही प्लेट मैंने अच्छी तरीके से ऊपर से और नीचे से इस छन्नी से जो है वो अच्छे से घिसा है उसे। अभी हम ये अच्छे से धो लेंगे। तो आप देख सकते हो मैं आपके ही सामने इसे अच्छे से
धोकर आपको दिखा रही हूँ, तो आपको अंदाज़ा आएगा कि कितने अच्छे से ये क्लीन भी हो रहा है और एकदम हमने जो टिप और ड्रिप्स इसमें यूज़ की है तो उससे हमारा जो काम है वो भी बहुत आसान हो गया है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी प्लेट निकल गई है। अभी हमने प्लेट तो धोकर लिया है, बट मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि नींबू डालने की वजह से इसका सरफेस कैसा है। मैं इसमें से पानी जो है मैंने डाल दिया है और आप देख सकते हो क्लीन इसका सरफेस निकलता है। अभी पूरे बर्तन मेरे ड्राई हो चुके हैं तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि होल भी देखिए, पूरी प्लेट भी देखिए कितनी साफ हो गई है। और ये भी देखिए जिसमें हमने बर्तन है जो हमारा इडली का, वो भी बॉटम भी देखिए कितना क्लीन है। नींबू डालने की वजह से पूरा हमारा जो इडली का पूरा बर्तन है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। आपको ये किचन टिप्स कैसी लगी इडली की, मुझे ज़रूर बताना। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।